हेलो एवरीबॉडी, मैं सब डॉक्टर हर प्रसाद फ्रॉम ग्लोबल स्पाइनल लेजर सेंटर। और आज हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। एवास्कुलर नेक्रोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन में और युवाओं में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, लेजर से हम लोग कैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड के सबसे एडवांस लेज़र है, जो काफ़ी हाई पावर है लेज़र। और आप देख सकते हैं स्कैनर लेज़र है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल स्कैन कर रहे हैं। और इसका पेनिट्रेशन काफ़ी डीप है और बिल्कुल इंटरनल बोन्स तो के सब पेनिट्रेट करते हैं। और लेज़र कैसे काम करते हैं, एज यू नो दैट लेज़र एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन काम करते हैं। तो इसका काम है रिपेयर और रीजनरेट करना। तो रिपेयर और रीजनरेट तभी हो पाएगा जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हुआ, आपको सप्लाई मिलेगा ब्लड सर्कुलेशन के। तो लेज़र का मेन काम है नियो वास्कुलरिटी को बढ़ाना, नियो वास्कुलरेशन करना। अगर वास्कुलरिटी आपका इंटरप्ट हो रहा है तो उसको वास्कुलरिटी को बढ़ा देना। तो लेज़र सबसे बढ़िया डिवाइस है वास्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए। और इस एरिया में, पूरा हिप एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे बहुत फास्टर। और जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और धीरे 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 जो नेक्रोटिक आपका बोन टिश्यूज है उसको रिजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हम लोग पता ही है आपको, जो लेज़र क्या बोलते हैं आपका वास्कुलर नेक्रोसिस जो है आपका काफ़ी ग्रेड है, इसके 1, 2, 3, 4, 5 तक जाते हैं। तो आपको इतना डिले करना ही नहीं है उसको, बहुत जितना जल्दी आप करा पाएंगे उतना आपका जो बोन है, आपका हेड ऑफ फीमर जो है, इतना कोलैप्स नहीं होंगे। और जितना जल्दी आप इसको करा लेंगे उतना फर्स्ट आपको रिजल्ट भी आएगा। तो सबसे बढ़िया आपका टेक्नोलॉजी है और ना तो कोई आपका इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ता, ना तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ता। विदाउट एनी एनास्थेसिया, विदाउट एनी इंजेक्शन और विदाउट एनी मेडिसिन इसको आप ले सकते हैं। और जो बोन टिश्यू रिपेयर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 months का प्रोसेस लगते हैं इसको करने में। और 6 months के अंदर पेन तो बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बोनी रिपेयरिंग फेज होता है उसका थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 months का पीरियड लग जाते हैं। और इसमें ऐसा कोई फील भी नहीं होता है, आपको हल्का सा माइल्ड फील हो रहा होगा इसमें। और इसमें हम लोग टेम्परेचर को भी, यहाँ आपका थर्मल कैमरा है उसके थ्रू हम लोग कितना पेनिट्रेशन हो रहा है इसका और कितना क्या टेम्परेचर है उस एरिया का, हम लोग ये भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वास्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, ना तो आपको हिप रिप्लेस करने की ज़रूरत है, और ना तो आपको डिकम्प्रेस करने की ज़रूरत है। लेज़र के थ्रू ही हम लोग उसको बोनी टिश्यू को रिपेयर और रिजनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। तो दिस इज़ द FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है और ये BTL का है और पावरफुल, काफ़ी पावरफुल लेज़र है, पेनिट्रेशन इज वेरी हाई और FDA अप्रूव है और सेफ है, 100% सेफ मेथड है, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल और इसमें कोई फील भी नहीं करते हैं पेशेंट। तो आप अगर परेशान है वास्कुलर नेक्रोसिस से तो प्लीज़ हमारे पास आइए ग्लोबल हेल्थ स्पाइनल लेजर सेंटर पे, और ये मशीन अवेलेबल है। थैंक यू।